हेलो, मेरा नाम है शेख साहिद। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द ब्यूटीफुल आइलैंड्स ऑफ अंडमान। आई एम अ करियर कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग कोच एंड एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ स्कोर बिल्डर्स एंड कंसल्टेंट्स फॉर क्वालिटीज एंड नेस्कॉन, क्रिएटर ऑफ यूट्यूब चैनल्स लाइक ई बिल्डर्स 33। मेरी टीम और मैं अपने साइट एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज और बहुत सारा कंटेंट आपको देंगे। तो आप इस परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप हमारी इस कंटेंट का इस्तेमाल करें और एक अमेजिंग करियर की शुरुआत करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट अंडरग्राउंड सम्प। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सम्प के बारे में, एक स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं कि अंडरग्राउंड सम्प की जरूरत क्यों पड़ी। अंडरग्राउंड सम्प यानी कि जब घर हम लोग बनाते हैं तो देखिए, ओवर हेड टैंक एक तो 100% प्रोवाइड करते हैं ताकि ग्रेविटी से पानी हमारे घर के अंदर आ जाए, लेकिन अंडरग्राउंड सम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसका साइज बड़ा रहता है। जो पंप करके पानी ऊपर चढ़ाता है टैंक में, साइज बड़ा होने के कारण हम लोग यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। इतना बड़ा टैंक अगर ओवरहेड में बनाए, खर्चा भी ज्यादा होगा, वहां पे हमें बनाने में दिक्कत भी होगी, स्पेस बहुत बड़ा घेरेगा। तो इसीलिए हम लोग ऊपर में 1000-2000 लीटर का टैंक रखते हैं, नीचे 10-15 हजार लीटर का अंडरग्राउंड सम करते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसपे कि इसपे अलग अलग टाइप्स के टैंक्स क्या होते हैं अंडरग्राउंड यूजी यूजी यानी अंडरग्राउंड। सबसे पहला होता है प्रीकास्ट आरसीसी टैंक। प्रीकास्ट आरसीसी टैंक यानी कि जो फैक्ट्री मेड होता है, जैसे ये फोटो में आप देख सकते हैं, फैक्ट्री में बनता है, वहां पे ऑर्डर देते हैं, वहां फैक्ट्री में वो लोग केमिकल यूज करके बनाते हैं कास्ट में, और साइड पे ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा होता है कास्ट इनसीटू, जो अक्सर मैंने अपने एस्टिमेट वाले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। और कास्ट यहाँ पे शटरिंग, रीइंफोर्समेंट, सड़िया छड़ लेके सब बनाते हैं कास्टिंग करके। और तीसरा होता है रेडीमेड पीवीसी टैंक्स। रेडीमेड पीवीसी टैंक्स होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं कंपैरेटिवली, और वो आसानी से फैक्ट्री में बनता है और फैक्ट्री से इधर आ जाता है। एक्चुअली आजकल के चलन में पीवीसी टैंक्स ही सबसे ज्यादा चलने वाले टैंक्स हैं, और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसके लीक प्रूफ रहता है और इजी टू हैंडल है, बहुत काफी लाइट वेट रहता है, इसीलिए इसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इन टैंक्स के डिफरेंसेस क्या क्या है प्रीकास्ट, कास्ट इन सिटू और पीवीसी टैंक्स के बीच में। देखिए, प्रीकास्ट तो फैक्ट्री मेड है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कास्ट इन सीटू होता है आपके साइट पे, जहां पे साइट है आपका वहीं बनाना पड़ता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर बना देगा। और पीवीसी टैंक्स कहते हैं जो फैक्ट्री में बनता है। ये दोनों, दो टैंक्स फैक्ट्री में बनता है, एक सेम आपके साइट में बन जाता है। प्रीकास्ट टाइम सेव करता है, कंस्ट्रक्शन टाइम साइट पे, और ये रीयूजेबल है, इसको वापस निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कर सकते हैं बहुत अगर प्रिकॉशन लिया जाए। और ये टैंक्स जो दूसरा नंबर है कास्ट इन सिटू जो है वो बहुत टाइम लेता है, और पीवीसी वाला जो है टाइम बचाता है और वो आसानी से रीयूज हो सकता है। प्रीकास्ट स्लैब का तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, हैवी है, हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्रेन की जरूरत पड़ती है, बहुत भारी क्रेन की जरूरत पड़ती है। और वही कंपेयर करें कास्ट इन सिटू हेक्टिक है थोड़ा बनाना, और वहीं कंपेयर करें पीवीसी बहुत लाइट वेट है, इजिली 10 लेबर या 5 लेबर से हैंडल हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी महंगाई की बात करें तो ये काफी महंगा होता है फैक्ट्री मेड आरसीसी, और कंपैरेटिवली साइट वाला सस्ता रहता है क्योंकि हम लोग खुद मटेरियल खरीदते हैं और यहाँ साइट पे ही आसानी से बन जाता है। और अगर फैक्ट्री मेड पीवीसी मिड रेंज रहता है, जो एकदम बैलेंस कर देता है सारी चीजों को, ना वो सस्ता है ना वो बहुत महंगा है, उसकी रीयूज भी ईजी है, लाइट वेट है, इसको इस्तेमाल करना आसान है। मैं तो अगर हमारा ये सजेशन रहेगा पीवीसी टैंक्स आप साइट पे यूज करिए, कि इजी टू इंस्टॉल, रीयूजेबल। और चलिए इसमें देखते हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो इसको बनाती है। मैन्युफैक्चरर्स जो फैक्ट्री मेड है, दो टैंक्स जो प्रीकास्ट और पीवीसी टैंक्स, पीवीसी वाटर टैंक्स जो बनते हैं उसमें कंपनीज जो अलग अलग यूज होती है, सिंटेक्स है, पूर्वी है, फिनोलेक्स है, नेशनल प्लास्टिक्स एंड बाकी सारी कंपनीज भी है जो आप इंटरनेट से और खोज सकते हैं। प्रीकास्ट आरसीसी स्लैब में यूनिटेक, एक्वा सॉल्यूशंस है, हिंदुस्तान का टैंक्स आते हैं, ये सारे अच्छे टैंक्स हैं, लेकिन भारी पड़ता है। कास्ट इन सिटू में आपका सब कॉन्ट्रैक्टर ही बना देगा साइट पे ही, लेकिन अगर आप तीनों के कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से सारे वोट्स आते हैं प्रीकास्ट पीवीसी टैंक्स को, जो लाइट वेट है, कॉस्ट भी उसका सही है, और उसको यूज करना, इंस्टॉल करना काफी आसान है दोस्तों। तो चलिए ये एक बेसिक गो थ्रू मैंने बताया है टैंक्स के बारे में, यूजी सम्स के बारे में। होप करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमारे बाकी और भी
वीडियोस हैं जो जाके आप यहाँ लिस्ट से देख लें और हमें सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम आपको और आगे वीडियोस बना के देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।